1983 वर्ल्ड कप फाइनल में जब भारतीय टीमों ने जीत हासिल की तब पूरा क्रिकेट जगत अचंभे में पड़ गया। टीम इंडिया की इस जीत से बाकी टीमें स्तब्ध थी। लॉर्ड्स की बालकनी में विश्व कप जीत के बाद कपिल देव की वो तस्वीर सालों तक क्रिकेट फैंस को याद रहेगी। इस जीत ने हर एक भारतीय को सपने देखने और सपनों को हकीकत में बदलने की उम्मीद जगाई। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, एमएस धोनी, विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ियों की नई पीढ़ी इस शानदार जीत से प्रेरित हुई। टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत के कई हीरो रहे। महेंद्र अमरनाथ, मदन लाल, बलविंदर संधू समेत सभी खिलाड़ियों ने इस जीत में अहम भूमिका निभाई। लेकिन इस टीम में एक खिलाड़ी और था। हीरोज ऑफ इंडियन क्रिकेट की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप में जीत के हीरो रहे कृष्णमाचारी श्रीकांत की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नार टीवी। वनडे क्रिकेट में पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 183 रन का स्कोर बनाने के बाद शायद ही कोई टीम मैच जीतने की सोचती होगी। वहीं अगर आपका मुकाबला दो बार की वर्ल्ड चैंपियन और एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ियों से भरी टीम के साथ हो तो यह बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। 25 जून 1983 को क्रिकेट की दुनिया में लॉर्ड्स के मैदान पर एक ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई। टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए महज 183 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए, लेकिन उस समय धुरंधर खिलाड़ियों से सजी वेस्टइंडीज की टीम मात्र 140 रनों पर सिमट गई। यह किसी बायलैटरल सीरीज का मैच नहीं बल्कि 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला था। उस समय वेस्टइंडीज खिलाड़ियों का क्रिकेट जगत में दबदबा था। बाकी टीमों को वेस्टइंडीज को हरा पाना एक सपने जैसा था, लेकिन भारतीय टीम ने यह कर दिखाया और फाइनल मुकाबले में वेस्टइंडीज को धूल चटाकर विश्व विजेता बनी। टीम इंडिया ने 28 साल बाद 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम किया, लेकिन साल 1983 विश्व कप जीत की तस्वीर हमारे दिलो दिमाग में बसी हुई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये पहली बार था जब भारतीय टीम ने खिताब पर जीत हासिल की। यह पहली बार था जब टीम इंडिया ने जीत का स्वाद चखा। यह पहली बार था जब भारतीय टीम नंबर वन बनी। ये जीत सिर्फ इसलिए खास नहीं थी कि भारत खिताब जीतने में कामयाब रहा, बल्कि इसलिए भी खास थी क्योंकि इस जीत ने करोड़ों फैंस को यह हौसला दिलाया कि बड़े स्तर पर भारतीय टीम खेल जगत पर राज कर सकती है। इस जीत के साथ टीम इंडिया एक बड़े खेल शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। टीम इंडिया की इस जीत ने हमारी खेल नियति और जीवन को बदल कर रख दिया। उसमें भारत की गिनती ऐसे देशों में होती थी जिसकी खेल क्षमता पर सवाल खड़े किए जाते थे। भारतीय खिलाड़ियों को डरपोक माना जाता था। 1980 के दशक की शुरुआत में तमिलनाडु के एक युवा ओपनर ने भारतीय ओपनिंग बल्लेबाजी की तस्वीर ही बदल कर रख दी। हमारा भारत जो सुनील गावस्कर, चेतन चौहान और अंशुमन गायकवाड़ जैसे ओपनर्स की आदी थी, उसके लिए कृष्णमाचारी श्रीकांत के ताबड़तोड़ खेलने का अंदाज हैरान कर देने वाला था। तो चलिए जानते हैं इनकी कहानी। कृष्णमाचारी श्रीकांत का जन्म 21 दिसंबर 1959 को मद्रास यानी चेन्नई में हुआ था। क्रिकेट जगत में श्रीकांत को चीका के नाम से जाना जाता है। श्रीकांत एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। उन्होंने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुइंडी चेन्नई से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। श्रीकांत अपने आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। 21 साल की उम्र में श्रीकांत ने भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया। वे तमिलनाडु की ओर से घरेलू क्रिकेट खेला करते थे। साल 1981 25 नवंबर को उन्होंने अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया। इसी साल उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में भी डेब्यू किया। टेस्ट क्रिकेट में भी डेब्यू किया। टीम इंडिया के लिए श्रीकांत ने 146 वनडे मैच खेला, 4 शतक और 27 अर्धशतकों की मदद से उन्होंने 4,091 रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट के 43 मुकाबलों में 29.88 की औसत से उन्होंने 2,062 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 12 अर्धशतक भी लगाए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में श्रीकांत के बल्ले से 7,349 रन आए। फरवरी 1992 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला। 15 मार्च 1992 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने आखिरी वनडे मुकाबला खेला। उन्होंने सुनील गावस्कर के साथ मिलकर भारतीय पारी की शुरुआत की। श्रीकांत अपनी आक्रामक शैली के लिए मशहूर है। क्रिकेट फैंस श्रीकांत को भारत का वेब रिचर्ड भी कहते हैं। श्रीकांत की खासियत थी कि वे दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा कर रख देते थे। श्रीकांत के आक्रामक अंदाज पर एक इंग्लिश मुहावरा बिल्कुल फिट बैठता है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, यानी भाग्य बहादुरों का साथ देता है। श्रीकांत रिस्क लेने से घबराते नहीं थे, निडर होकर वो गेंदबाजों की पिटाई करते थे। श्रीकांत के संदाज के चलते कभी कप्तान तो कभी विपक्षी टीम फिक्रमंद रहा करती थी। 80 के दशक में जहां T20 क्रिकेट का कोई नामो निशान नहीं था, तब खिलाड़ी उसी अंदाज में खेलता था, बेखौफ और बेपरवाह, न गेंदबाजी की चिंता न परिस्थितियों की। सुनील गावस्कर के साथ मिलकर वो भारतीय पारी की शुरुआत करते थे। गावस्कर का संयम और श्रीकांत की आक्रामकता एक दूसरे को बैलेंस करती थी। श्रीकांत 29.88 की औसत से बल्लेबाजी करते थे, हालांकि इससे बहुत ज्यादा उम्मीद उनसे की जाती थी। अपने अग्रेसिव ओपनिंग के लिए मशहूर इस खिलाड़ी के लिए एक बार बिशन सिंह बेदी ने कहा था, जब श्रीकांत बैटिंग करते हैं तो बादल गरजते हैं, आसमान से बिजली चमकने लगती है। बढ़ते दिनों के साथ कुछ हद तक श्रीकांत ने अपनी आक्रामकता को संयमित किया और टीम इंडिया का अहम हिस्सा बन गए। 1983 वर्ल्ड कप और 1985 वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट में वह टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। 1989 में उन्हें टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया। इसी साल श्रीकांत की कप्तानी में सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया। 1990 में टीम इंडिया के पाकिस्तान दौरे पर वह टीम के कप्तान थे। इस सीरीज के सभी मैच ड्रॉ कराने में वह कामयाब रहे, लेकिन बैटिंग के लिए उनकी कड़ी आलोचना हुई। उनकी बल्लेबाजी से निराश होकर सिलेक्टर्स ने उन्हें बाहर कर दिया। 2 साल के लंबे गैप के बाद उन्होंने वापसी की और फिर से ड्रॉप होने से पहले 1 साल तक खेला।
साल 1993 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वनडे क्रिकेट में 8 शतक और 5 विकेट लेने वाले वे पहले भारतीय खिलाड़ी थे। नीदरलैंड के खिलाफ 1988 में विशाखापत्तनम में उन्होंने यह कीर्तिमान अपने नाम किया। अपने आखिरी टेस्ट मैच में एक पारी के दौरान 5 कैच लपक कर उन्होंने अपने टेस्ट करियर का अंत किया। श्रीकांत अपनी पीढ़ी के बल्लेबाजों के लिए एक आदर्श थे। वह पहले भारतीय ओपनर थे जिन्होंने क्रीज पर आते ही ताबड़तोड़ बैटिंग की शुरुआत की। वे एक परफेक्ट ओपनर तो नहीं थे लेकिन अपनी बल्लेबाजी से उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। तो अपने मजाकिया अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं, उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में कई यादगार पारियां खेली। 2 बड़े फाइनल्स में वह टीम इंडिया के लिए टॉप स्कोरर रहे। वेस्टइंडीज के खिलाफ 1983 वर्ल्ड कप के फाइनल में श्रीकांत सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। पारी की शुरुआत करते हुए 57 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्के की मदद से उन्होंने 38 रनों की पारी खेली थी। माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर और मैल्कम मार्शल जैसे गेंदबाजों के खिलाफ ये रन आए। इसके अलावा 1985 में पाकिस्तान के खिलाफ बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप क्रिकेट के फाइनल में उन्होंने 67 रनों की पारी खेली जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी सहम पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 8 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम किया। सितंबर 1982 में श्रीलंका के खिलाफ श्रीकांत ने 66 गेंदों में 95 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। उनकी इस पारी में 13 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। उनकी इस धमाकेदार पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 41वें ओवर में 278 रनों का लक्ष्य हासिल किया। उनकी पारी उस समय वनडे क्रिकेट इतिहास में स्ट्राइक रेट के लिहाज से 4थी सबसे तेज पारी थी। अपने समय में श्रीकांत वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ी थे। नवंबर 1981 से मार्च 1992 के दौरान भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर के टॉप 5 बैट्समैन में उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा। श्रीकांत का स्ट्राइक रेट नवजोत सिंह सिद्धू, दिलीप वेंगसरकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सुनील गावस्कर, महेंद्र अमरनाथ और रवि शास्त्री से ज्यादा था। 1985-86 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में श्रीकांत के बल्ले से 72.75 की औसत से 291 रन आए। इस सीरीज में उन्होंने 1 शतक और 2 अर्धशतक भी लगाया। 83.86 के शानदार स्ट्राइक रेट से उन्होंने ये रन बनाए थे। श्रीकांत के शानदार प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया धरती पर टीम इंडिया टेस्ट सीरीज ड्रॉ करवाने में कामयाब रही। उन्होंने टेस्ट करियर में 2 शतक लगाए लेकिन दोनों ही बार उन्होंने विस्फोटक पारियां खेली। 1986 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट में उन्होंने मात्र 117 गेंदों में 116 रन बनाए। उनकी इस पारी में 19 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। वहीं उन्होंने अपना दूसरा टेस्ट शतक 1987 में पाकिस्तान के खिलाफ लगाया था। 149 गेंदों में 82.55 की औसत से उन्होंने 123 रनों की पारी खेली। टीम इंडिया दोनों मैच ड्रॉ करवाने में सफल रही। टीम इंडिया से संन्यास लेने के बाद उन्होंने इंडिया ए के कोच की पदवी संभाली। वो सिलेक्टर्स कमेटी में चीफ सिलेक्टर भी रह चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। श्रीकांत के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। हम बीच में थोड़े पुराने क्रिकेटर्स पर भी वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वनडे वर्ल्ड कप ये सिर्फ एक ट्रॉफी की जंग नहीं है, ना ही ये महज कामयाबी का सबूत है। वर्ल्ड कप तो गाथा है कुर्बानियों की। यू मिस आई हिट, गौतम गंभीर मात्र 3 रन दूर थे अपने शतक से। दास्तान है हार कर जीतने वाले बाजीगरों की। इतिहास है जोकर्स के विनर्स बनने की, तो वजह है चैंप्स के जोकर्स बनने की। ये बात कुछ चंद मैचों की नहीं बल्कि ये बात है 4 सालों के लंबे इंतजार की। आया वर्ल्ड कप हमारे देश रे। क्योंकि अब वर्ल्ड कप के कुल 12 हफ्ते बचे हैं, इसलिए वनडे वर्ल्ड कप का वेलकम जश्न के साथ जरूरी है। हर मैच को जीना जरूरी है, लेकिन उससे पहले जरूरी है बीते वर्ल्ड कपों की कहानी को ताजा करना, ये समझना कि वनडे क्रिकेट कहां से कहां तक आया है। इसलिए नारो टीवी खास क्रिकेट के दीवानों के लिए लेकर के आ रहा है एक बेहद ही नायाब पेशकश, एक ऐसी सीरीज जिसमें हर संडे सिलसिलेवार ढंग से 1975 से लेकर 2019 तक हुए हर वर्ल्ड कप की कहानी विस्तार से आपसे साझा करेंगे। एक ऐसी सीरीज जिसकी दूसरी मिसाल आपको YouTube की हिस्ट्री में नहीं मिलेगी। एक ऐसी सीरीज जिसके जरिए हम एक झलक में वनडे क्रिकेट के डेवलपमेंट को बारीकी से समझ लेंगे। तो आप सब तैयार हो जाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए तैयार रहिए 16 जुलाई से शुरू होने वाली नारद टीवी की खास सीरीज वर्ल्ड कप इन अ ग्लांस को।